नमस्कार, न्यूज क्लिक का स्वागत है। मैं हूं मुकुंदर। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देश के जिस तरह से 150 से अधिक सांसदों को देश की पार्लियामेंट से निष्कासित किया गया, उसके खिलाफ इंडिया एयरलाइंस की तरफ से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और ये सिर्फ एक दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें देश के जो 150 सांसदों जिस तरह निष्कासित किया गया है, उसको लेकर एक तरह तानाशाही रवैया केंद्र सरकार का बताया जा रहा है। उनका कहना है यह देश के अंदर इन लोकसभा सांसदों या राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि देश में लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह की बातें स्टेज से की जा रही हैं। और पीछे स्टेज पे आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस को, जो भी छोटे बड़े घटक दल जितने भी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दल, इसके अलावा और भी जो इनके घटक दल हैं, सभी मौजूद हैं। सभी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। मन से लगातार देश में जिस तरह से केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये को बार बार ये लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जनता पहुँची है। हमने उनसे बात किया और समझने का प्रयास किया, वो इस सवाल को कैसे देखते हैं, वो जिस तरह से सांसदों को निष्कासित किया गया उसको वो लोग कैसे देखते हैं, उनकी क्या राय है इस पर, सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आज आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा विस्तार में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का। 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में, और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं, हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे। और ये बचाने का काम, हमारे संविधान का पहला शब्द क्या है, हम लोग, यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं, हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि बनाते हैं सरकार। सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को, और एमपीओं की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओं को हटाते हुए, इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं,
राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिसी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं, कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं, सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं, जय हिंद। विपक्ष मुक्त संसद बन गई है, एक एक सरकार की हुकूमत हो, एक पार्टी की हुकूमत हो गई है, डिक्टेटरशिप है, संविधान खत्म हो रहा, नौकरियां खत्म हो रही, जनतंत्र खत्म हो रहा, ऐसे में सारे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि संसद में तो हमें खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं, इसलिए अब सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर तब तक उतरे रहेंगे जब तक कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाता। सवाल ना विपक्ष का है ना कांग्रेस का है, सवाल लोकतंत्र का है। इस देश में सबको जो बराबरी का अधिकार मिला है ये उसका है। सीधा सा सवाल है, बीजेपी का सांसद कुछ भी करेगा माफ है, उसके पास पे घुसपैठ हुई इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जो है संसद की सुरक्षा जो है गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्री को आके जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? बेटा का क्रिकेट मैच होता है तो जो गृह मंत्री को फुर्सत है देखने के लिए जाने के लिए, और जो है संसद में आकर के जवाब देने का फुर्सत नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया है, और बस जनता को जिस दिन यह बात समझ में आ गई, जनता जिस दिन ये महसूस कर ली कि हम हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, उस दिन जो है इनसे हिसाब मांगने लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। पब्लिक जागरूक हो और इन लोगों का बहिष्कार करें। आज हो सकता है कि जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का हिटलर था वो भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हो कि एक आदमी ने जो कह दिया, प्रजातंत्र में प्रजा की बात सुना जाता है, आज वो चीज़ें खत्म हो गई। एक दूसरे का विरोध करते थे पार्लियामेंट, लेकिन एक साथ बैठ के चाय और विचार विमर्श करते थे, वो चीज़ खत्म हो चुकी। सर देखिए, आज लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है बीजेपी सरकार ने, किस तरह से उन्होंने अपनी गलती को सफाई से लपेटने की कोशिश, ध्यान आकर्षित करने के लिए जो 143 सांसदों का निलंबन किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि गलती खुद की है, खुद के सांसद ने पास जारी किया था उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। वहाँ तो बोलने ही नहीं देते हैं, सांसदों को बोलने तो दीजिए, प्रश्न उठाने तो दीजिए, आप प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते इसलिए उनको प्रश्न करने नहीं देते हैं, तो कहाँ तो बोलेंगे, जनता में बोलेंगे फिर वो। और अगर हंगामा किया है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप इतने सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को आप निष्कासित कर दें। ये बहुत बड़ा अराजक स्टेप है गवर्नमेंट का और इसको भुगतना पड़ेगा इसके लिए। आज सत्ता जिसके पास है, पावर जिसके पास है, गरिमा की रक्षा करना उसका ही कर्तव्य है। जो कमजोर होगा वो चीखेगा, चिल्लाएगा, विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा कि उसकी आवाज सुनी जा सके। संसद के अंदर जिस तरह से पूरी घटनाक्रम को आप देखें, एक के बाद एक, दानिश अली को क्यों बर्खास्त किया गया, आप खुद देखिए महुआ मोहित्रा का कौन सी गरिमा का उल्लंघन हुआ। तो ये सत्ता का जो दंभ है, उसका जो एरोगेंस है, उसका ये नमूना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम जो करेंगे वो ऐतिहासिक ही करेंगे, चाहे वो जनतंत्र पर हमला भी है तो वो भी ऐतिहासिक हमला है कि आपने पूरे के पूरे विपक्ष को ही सस्पेंड कर दिया। तो अब तो अगर जनता विरोध करेगी तो जनता को भी ये सस्पेंड कर देंगे, यही लग रहा है कि मिमिक्री भी अगर है तो उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, वो इशू नहीं बना रहे हैं कि जो भूख गरीबी की बात जो उन लोगों ने कही, उन लड़कों ने कही, उस पर कोई चर्चा नहीं, संसद की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन जब इसकी मांग हो रही है तो आप संसद को बर्खास्त कर रहे हैं। आज का रैली एक तरीके से इंडिया पार्टीज द्वारा ये डिक्लेरेशन है कि जिस जिस फ्रंट में यूनाइटेडली लड़ने का ज़रूरत होगा उस फ्रंट में यूनाइटेडली लड़ा जाएगा। अगर सड़क पे उतरने का ज़रूरत है, जब से इंडिया अलायंस बना है दिल्ली में इस तरीके का प्रदर्शन ये पहली बार हो रहा है, अगर सड़क पे उतरने का ज़रूरत है सड़क पे उतरा जाएगा,
अगर आंदोलन के दौरान जेल भरो का जरूरत है जेल भरा जाएगा, और अगर यूनाइटेड फ्रंट के बतौर चुनाव लड़ने का जरूरत है वो चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस देश में, इस देश को एक तरीके से विरोध मुक्त, किसी भी तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी भी तरीके का अलग राय होना इस देश में आज के डेट में गैरकानूनी बना दिया जा रहा है। सड़क पे आप विरोध करने उतरिए तो सड़क पे क्रैकडाउन, एक्टिविस्ट के ऊपर धाराएं लगाना, उनको जेल में भेजना। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं और अगर सरकार के ऊपर कुछ सवाल उठा रहे हैं एज जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करना न्यूज़ क्लिक खुद इसका एग्जाम्पल है। अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं और अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का सवाल पार्लियामेंट के अंदर, जो आपका ड्यूटी है इसीलिए आप इलेक्टेड हुए हैं, वो उठा रहे हैं, तब आपका सस्पेंशन होगा। तो भारत एक लोकतंत्र है और हमारा संविधान कहता है कि हम लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, यहाँ पे हिटलर शाही नहीं है। और अगर अपने देश को बचाने के लिए जो जो करने का ज़रूरत होगा, हम लोग CPIML से हैं, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और आज का ये जो रैली है, ये रैली एक तरीके से वेलकम स्टेप है कि द एंटायर ऑपोजिशन हैज कम टुगेदर एंड द एंटायर ऑपोजिशन इज रेडी व्हाट इट टेक्स टू सेव द मदरलैंड, जस्ट लाइक व्हाट वाज डन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं भी जाट हूँ। जगदीप धनखड़ जी जब कहाँ थे, जब जाट आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, उसमें बहुत मात्रा में जाट थे। और तब तो जगदीप धनखड़ जी का दिल नहीं पसीजा बिल्कुल, जब यहाँ महिला पहलवानों को जंतर मंतर पे पुलिस घसीट के ले गई थी, किसी को बाल पकड़कर, किसी को पैर पकड़कर पीटते हुए ले गई थी, उनके पैरों मुंह पर जूता रखा था, पैर रखा था, तब कहाँ गए थे। हम भी जाट हैं, लेकिन अगर इतना ही भारी अपनी बिरादरी का वो है तो कभी बिरादरी के लिए बोलते क्यों नहीं। जाट आरक्षण का मुद्दा हम उठाते हैं, कभी जगदीप धनखड़ जी का इतना सा भी शब्द नहीं आता। जब डर लगा, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी आप डर रहे हो, आपको अपनी बिरादरी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, धिक्कार है ऐसे पदों पर।